इंडियन प्रीमियर लीग 2020 के आधे से ज्यादा लीग मैच खत्म हो चुके हैं, लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्हें अब तक एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला है। फाइनल्स में जगह बनाने के लिए अब सभी टीमें और भी एग्रेसिवली खेलेंगी। ऐसे में जरूरत है टीमों को सेल्फ असेसमेंट की। मंगलवार को 5 मैच हारने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स को आखिरकार जीत मिली। इस टीम का एक खिलाड़ी ऐसा भी है जिसने अब तक एक भी मैच नहीं खेला है। हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के स्पिनर इमरान ताहिर की। चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाले साउथ अफ्रीका के दिग्गज लेग स्पिनर इमरान ताहिर को अभी तक आईपीएल के 13वें सीजन में खेलने का मौका नहीं मिला है। आईपीएल के आधे टूर्नामेंट के बीच जाने के बाद होने वाले मिड सीजन ट्रांसफर में ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि इमरान ताहिर को चेन्नई की टीम किसी और टीम के अन्य खिलाड़ी के साथ फेरबदल कर सकती है, लेकिन शायद चेन्नई की टीम अपने इस तुरुप के इक्के को किसी और टीम में भेजने को तैयार नहीं है। इस सीजन के पहले हाफ में आईपीएल फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक अपने खेल से सबको निराश किया है। सीएसके की तरफ से खेले गए 8 मुकाबलों में से टीम ने 5 मैचों में हार का मुंह देखा है। ऐसे में इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चेन्नई की टीम को लगातार जीत हासिल करनी होगी और मैच को जीतने के लिए सीएसके के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को ताहिर को मौका देना होगा। लेकिन ताहिर को खिलाने के लिए धोनी को किसी एक खिलाड़ी को रेस्ट भी देना होगा और वो खिलाड़ी शेन वॉटसन, सैम करन, फॉफ डुप्लेसिस और डेवन ब्रावो में से कोई एक होगा। इस सीजन में महेंद्र सिंह धोनी अपने बल्ले से खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं। साथ ही बतौर कप्तान भी माही का जादू फीका रहा है, लेकिन हर कोई जानता है कि धोनी अनहोनी को होनी करने में माहिर है। ऐसे में 5 मुकाबले हारने के बावजूद धोनी अब भी अपनी टीम सीएसके की इस टूर्नामेंट में वापसी कर सकते हैं और इसकी शुरुआत प्लेइंग 11 में बदलाव करके करनी होगी। बता दें आईपीएल 2019 में ताहिर पर्पल कैप विनर रह चुके हैं। इमरान बेहद खतरनाक गेंदबाज हैं और ये किसी भी समय मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। इस सीजन चेन्नई सुपर किंग्स ज्यादातर टीम में हरफन मौला खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरी है। इनमें से सैम करन और डेवन ब्रावो दो ऑलराउंडर ओवरसीज प्लेयर हैं। ऐसे में धोनी को इनमें से किसी एक की जगह ताहिर को खिलाना पड़ेगा। साथ ही बल्लेबाजी क्रम में भी चेन्नई को फेरबदल करना होगा। मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी की खराब फॉर्म अब भी टीम के लिए समस्या बनी हुई है। टीम में ताहिर को मौका देने पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आईपीएल देश और दुनिया की हर बड़ी खबर से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष।